every day, 6 continuous month, I did it. And I got miraculous result. I also got miraculous result. My doctor was also amazed. She was also surprised. मुझे उसकी शक्ल से दिखता था कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है, बट शी इज़ अमेज्ड कि इतना ड्रास्टिक चेंज हो कैसे रहा है. आई रिवर्स्ड माई 17 ईयर ओल्ड थायराइड. एक बार मैंने किसी को बोला कि मेरा TSH का लेवल 113 था, कहते एक्सक्यूज मी आर यू लाइंग. आई सेड नो आई एम नॉट लाइंग, आई हैव रिपोर्ट्स, आई कैन शो यू माई रिपोर्ट्स. भाई ब्लड रिपोर्ट है, आई हैव सेव्ड इट. कि मुझको खुद को भरोसा नहीं होता कि सच में क्या मेरा 113 था. My name is Mamta Srivastav. I live in Noida and I do my own business of running a security agency. I was a kid जिसने अपने माँ बाप को बहुत परेशान किया. होता है ना, छोटे बच्चे खांस रहे हैं तो खांसी हो रही है, नाक फूल जाती थी, सो साइनस का प्रॉब्लम था. एंड देन मैंने 3 साल लगातार होम्योपैथी की दवाई खाई, सो से अराउंड 12 से 15 साल, 3 ईयर्स. एंड ये जो साइनोसाइटिस था मेरा उस टाइम पर सबसाइड हो गया. जब दिल्ली आ गए तो इनिशियली मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहती थी, सो वहाँ से जो है फिर बाहर का खाना खाना चालू हुआ, जो मिल रहा बाहर से कुछ भी उठा के कभी कुछ खा लिया वहाँ से. बट कोई बीमारी नहीं हुई. अप्रॉक्सीमेटली शादी के 2 साल के बाद ही मेरी बेटी हुई एंड देन उसके साथ साथ मुझे थायराइड हुआ. एंड थायराइड के बाद जो एलर्जिक कफ था ना, जो साइनोसाइटिस था चाहे जो बोलो, वो वापस आया. एलर्जिक कफ ने फिर धीरे 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 अस्थमा का रूप ले लिया एंड आई वॉज यूजिंग इनहेलर ऑल्सो. फिर 2020 में कोविड आया. सो 2020 के सितंबर में मुझे कोविड हुआ. आई वॉज अस्थमेटिक तो सबको डर था. सैटरडे शाम के टाइम पे मुझे सांस लेने में दिक्कत होनी चालू हो गई. आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ. बहुत रोना आ रहा था. मुझे लग रहा था कि मतलब मैं जिंदा ही क्यों हूँ, बिकॉज बहुत पेन था उस टाइम पे मेरे को. अंदर से बहुत पेन हो रहा था. आप सांस नहीं ले पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे, तो मतलब बहुत कैसे बताऊँ आपको, हेल्पलेस फील हो रहा था. एंड मुझे लगा कि मैं बचूंगी नहीं, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग. जब मेरी आवाज़ थोड़ी आई 5 दिनों के बाद, तो मैंने सबको यही बोला कि अगर मैं नहीं बची तो मेरी बेटी का ख्याल रख लेना. जो टेस्ट करने वाला है, मेरा रिपोर्ट वो भेज नहीं रहा था. मैंने कहा भाई तू रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहा है. उसने बाद में मेरे को बताया कि ही कुड नॉट बिलीव कि मेरा TSH का लेवल 113 है. उसने डबल टेस्टिंग के रिपोर्ट के लिए भेजा उसको कि नहीं इसको रीचेक करो, 113 कैसे आ सकता है इनको. उसने 2 बार चेक करवाया एंड देन ही गेव मी रिपोर्ट. तब उसने मुझे रिपोर्ट दिया एंड मैंने उससे पूछा भाई ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है. कहता मैडम मैं भी सरप्राइज हूँ, मैंने को डबल चेक करवाया आपको, आप जाके डॉक्टर को दिखाओ. तो मैंने कहा कि और कितनी बीमारियाँ चाहिए, और कितने इस तरह का थप्पड़ भगवान से चाह रही हो, या तो सुधर जाओ या मर जाओ. तो देन आई डिसाइडेड कि नो, आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ. तो फिर डॉक्टर ने इमीडिएट मेरे को बोला कि भाई आपको सबसे पहले लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा. तो फिर मेरे को समझ में आ गया लाइफस्टाइल ही चेंज करना, फिर तुम्हारी क्या ज़रूरत है, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ. बट कोविड के बाद, कोविड के ड्यूरिंग जो है कोविड, मैंने बहुत वीडियोस उनके देखे, काफ़ी समझ में आया मुझे कि हम क्या खा रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ गलत है, वो अंडरस्टैंडिंग हुई. सो मैंने एक पूरा एक अपना रूटीन बनाया. आई वॉज वेकिंग अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. 5 बजे उठ के नहा धो के मेडिटेशन वगैरह करके एंड आई एवरी डे आई यूज टू स्पेंड 2 आवर्स इन द मॉर्निंग. आपको मदर नेचर से कनेक्ट होना है, इट मीन्स आपको धूप में रहना है. सो जो वहाँ पे वो कहते हैं कि आपको सन बेदिंग करना है, सो दैट्स एन बहुत अमेजिंग पार्ट है सन बेदिंग. देन जो है एनिमा वॉज वन थिंग. जो एनिमा के थ्रू मुझे ये फील हुआ कि बहुत सारे टॉक्सिन्स, जो हार्ट टॉक्सिन्स हैं, जो इमिडिएटली हम निकाल सकते हैं एनिमा के थ्रू, तो वो एनिमा ने काफ़ी हेल्प किया उन हार्ट टॉक्सिन्स को निकालने के लिए. देन जो वेट पैक था, वेट पैक मुझे लग रहा है कि सेलुलर लेवल पे जो है वेट पैक ने काफ़ी जो है उस लेवल पे जो है मुझे हेल्प किया. देन सबसे पहले मैं सफ़ेद पेटे का जूस पीती थी. 8:15 बजे के करीब मेरे सफ़ेद पेटे का जूस होता था, कोई और जूस नहीं. मतलब सात्विक वाले भी बहुत सारे जूसेस बताते हैं, बट मुझे था कि मुझे डिटॉक्स करना है एंड डिटॉक्स जूस वो कहते हैं सफ़ेद पेठे का जूस को. एंड फिर वही 2:30 बजे जो है मेरा फिक्स रागी की रोटी होती थी. रागी की रोटी, धनिया की चटनी बना लिया मैंने और लौकी की सब्जी, जो मेरा फेवरेट रहा 6 महीनों तक, सेम डिश. एंड देन मैं थोड़ा बहुत लेमन ग्रास टी ले रही थी शाम के टाइम पे. मेरे को चाय पीने का मन करता था शाम में काम करते करते. एंड रात में अगेन मेरा सूप होता था. एवरी डे 6 कंटिन्यूस मंथ आई डिड इट फॉर माई सेल्फ.
एंड आई गॉट मिराकुलस रिजल्ट. आई ऑल्सो गॉट मिराकुलस. माई डॉक्टर वॉज ऑल्सो अमेज्ड. शी वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड. मुझे उसकी शक्ल से दिखता था कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है, बट शी इज़ अमेज्ड कि इतना ड्रास्टिक चेंज हो कैसे रहा है. सो फर्स्ट जो मुझे इफेक्ट दिखाना बेम, दैट वॉज इन अस्थमा. इमिडिएट मिराकुलस रिजल्ट. TSH तो मेरा डाउन जा रहा था जब मैं बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर रही थी, बट जो मेरा खांसना जो बंद हुआ ना, मुझे आज भी बिलीव नहीं हो रहा कि 3 महीने के अंदर कैसे हो गया. सो विद दिस सात्विक लाइफ स्टाइल आई रिवर्स्ड माई 17-year-old थायराइड. वेट भी इशू मेरा ऑलमोस्ट आई विल से 8 years बैक आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग विद इट. आई वॉज ट्राइंग न्यू थिंग्स कि वेट को कैसे रिवर्स किया जाए, बट इट वॉज नॉट हैपनिंग. और आई थिंक इट हैपन इन 1 year. दिस मेरेकल हैपन इन 1 year वेर आई रिड्यूस माई वेट फ्रॉम 73 kg टू 50 kg. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एस्थमा, जो मेरे लिए बहुत बड़ा फिजिकल लेवल पे मेरे को बहुत ट्रबल दे रहा था. एंड अगेन दिस डिजीज़ आई सफर्ड फॉर 17 years. और ये सबसे ज़्यादा जो है इस डिजीज़ ने मुझे तकलीफ दिया. एंड वहाँ से मैंने रिटर्न लिया. अभी मैं 16th माले पर रहती हूँ. मैं मॉर्निंग में 16th माले तक नीचे पैदल जाती हूँ और 16th माले तक ऊपर पैदल आती हूँ. कोई हाफ नहीं होता, कोई दम नहीं फूलता. ये वो लड़की है जिसको अस्थमा था. एंड सेकेंड फ्लोर चढ़ते चढ़ते पागल हो जाती थी. कहाँ सेकेंड फ्लोर पर मकान ले लेते, तो अपने हस्बैंड को बोलती थी मैं. और आज मैं 16 माले पर चढ़ती हूँ सीढ़ियों से. अमेजिंग है ना. मैं किसी को बोलती हूँ ना, एक बार मैंने किसी को बोला कि मेरा TSH का लेवल 113 था. कहते एक्सक्यूज मी, आर यू लाइंग? आई सेड नो, आई एम नॉट लाइंग. आई हैव रिपोर्ट्स, आई कैन शो यू माय रिपोर्ट्स. भाई ब्लड रिपोर्ट है, आई हैव सेव्ड इट. कि मुझको खुद को भरोसा नहीं होता कि सच में क्या मेरा 113 था. और एक वक्त था जब मैं एंटी एलर्जिक टैबलेट्स लेके घूमती थी, इनहेलर्स लू के घूमती थी. और आज का दिन है कि मैंने खुद से उस इनहेलर को और सारी दवाइयों की पोटली को डस्टबिन में डाला है. I am without inhaler, without any asthma medicine, and in fact, I'm living a medicine-free life today. I'm so much grateful. अगर आप भी ममता जी की तरह अपनी थायराइड प्रॉब्लम को हमेशा के लिए भगाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें. और अगर आपको एस्थमा या कोई भी दूसरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो देखें. इन दोनों वीडियोस में हमने पूरा क्लियर सात्विक प्लान बताया है इन दोनों बीमारियों को रिवर्स करने के लिए. अभी के लिए इतना ही. हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे.